घाटी में इस समय अचानक ही सियासी गर्मी आ गई है। सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। घाटी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी द्वारा 24 जून को दिल्ली में घाटी के नेताओं के साथ बैठक करने का फैसला हो चुका है। घाटी के 14 नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है। पीएम के न्योते को लेकर घाटी से राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक पीएम को बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। घाटी को लेकर आज एक बार फिर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बैठक में घाटी की स्थिति को लेकर चर्चा हुई, साथ ही 24 जून को होने वाली बैठक का एजेंडा भी तय करने की कोशिशें शुरू हो गई है। दूसरी ओर पीएम की बैठक में शामिल होने को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गुपकार समूह के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद पीडीपी की ओर से बयान दिया गया है कि महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्हें न्योता जरूर मिला है, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि गुपकार की ओर से फारूख अब्दुल्ला बैठक में जाएंगे। इस बीच घाटी के राजनीतिक दलों में इस बात पर सहमति है कि घाटी को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलना चाहिए, साथ ही जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी घाटी के राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है, लेकिन ये साफ है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों को छोड़कर अन्य किसी मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देगी। घाटी में कुछ समय पहले डीडीसी चुनाव कराए गए थे, उसके बाद से ही यहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अगर घाटी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश वाली विधानसभा होगी। अब तक ये दर्जा सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को मिला हुआ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।